ये तस्वीरें दिल्ली देहात के एकमात्र और सबसे बड़े बाजार नजफगढ़ मार्केट की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बरसाती पानी हर तरफ भर गया है, गाड़ियां बस सब पानी में फंसे हुए हैं, कई जगह दुकानों में भी पानी घुस रहा है। मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि यहां की समस्या से उबरने के लिए 5 लाख लीटर का संपवेल बरसाती पानी को स्टोर करने वाला अंडरग्राउंड टैंक अप्रैल में ही मेट्रो द्वारा बनाया जा चुका है, लेकिन 3.5 महीने से ऊपर बीत जाने के बावजूद अभी तक शुरुआत नहीं की जा सकी है। सरकार का दर्द आपके साथ साझा करता हूं। आज सुबह 4 बजे से बारिश औरों के लिए तो सुहावनी होती है, हम रजबगढ़ वासियों के लिए आफत होती है, क्योंकि हमारे बाजार की सारी दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया। जहां कभी पानी नहीं जाता था वहां भी पानी चला गया। इस साल टेंडर तो होते हैं हर साल जनवरी में छिल्क निकालने के, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो चुका है, उसके हमारे यहाँ के विधायक जबकि मंत्री हैं दिल्ली में, इसके बावजूद पिछले 2 वर्षों से नजफगढ़ में छिल्क नहीं निकाली गई। इसका कारण है कि पानी भर जाता है, नाले इस कैपेसिटी में नहीं है। इसके अलावा देखिए कितना बड़ा दर्दनाक बात है कि 10 मार्च को जो संपवेल 5 लाख लीटर का तैयार हो गया था, उसके कनेक्शन आज तक नहीं हो पाए, और जिसका परिणाम झेल रहे हैं हम नजफगढ़वासी, सारा क्षेत्र, सारा देहात और सारे नजफगढ़ के व्यापारी। आखिरी दर्द की दवा क्या है? हमारे 1.5 साल से लगभग